अब मैं एक सिचुएशन एक्चुअली डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक बल्ब है ना, और उसका जो रेटेड वोल्टेज है, अगर सप्लाई वोल्टेज से स्मॉल होता है, तो फिर आप बल्ब को कैसे ऑपरेट करोगे? ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सीरीज में दूसरा बल्ब लगा दो, लेकिन उसको लगाने से क्या होगा? आपका वो यूजफुल तो नहीं है। हमें एक बल्ब से काम चलाना है, दूसरा बल्ब तो पावर कंज्यूम कर रहा है ना, तो आपका तो बिल तो इंक्रीज होगा। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे कि आपका उसमें आप वो जो लेस वोल्टेज, मतलब एक्चुअली लेस करंट की नीड है, तो करंट रिड्यूस भी हो जाए और आपका जो पावर कंजम्पशन है वो भी नहीं हो। तो एक्चुअली ये फैसिलिटी अवेलेबल है किसमें? एसी सर्किट में। जैसे आपको पता है कि एसी सर्किट में आपका डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, अलग अलग होता है। जैसे अपन रेजिस्टेंस का, करंट और वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस 0 होता है, आपका जो इंडक्टर का जो फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज में क्या होगा? 90 डिग्री होता है। तो वो जो पावर कंजम्पशन जो होता है उनका क्या होता है? 0 होता है। देखिए एक सिचुएशन जैसा मान लो ना, आप एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि जो बल्ब है, जैसे ये मान लीजिए बल्ब है आपको, तो इसका जो रेटिंग दिया हुआ है, जो आपका रेटिंग है वो 100 वाट और 100 वोल्ट। ओके, 100 वाट 100 वोल्ट दिया हुआ है, ये कंपनी रेटिंग है। सीआर क्या है? कंपनी रेटिंग। ओके, और इसको ऑपरेट करना है आपको, ये दिया हुआ है 250 हर्ट्ज़, इसमें ऑपरेट करना है। तो आप देख रहे हैं कि अपन तो रेटिंग कितनी दी, 100 वोल्ट दिया है, और यहाँ पर आपका जो सप्लाई वोल्टेज कितना है? 200 है। तो फिर इसको, इसमें आपको अगर ये बल्ब है उसके साथ ये जो आपको इंडक्टर लगाना होगा, ठीक है ना, तभी जा करके आपको ये आपका इसका जो कोपअप कर पाएगा, क्योंकि ये 100 वोल्ट चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें तो इसकी अपन को क्या निकालना? एल निकालना, इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है, ये चीज़ है आपका। तो सुनो, ऐसा करो, आप पहले इसका रेजिस्टेंस चेक कर लो आप, ये कंपनी रेटिंग है ना, तो कितना हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू V² / R, राइट? तो R इज इक्वल टू V² / P। तो 100 × 100, वोल्टेज 100 है और ये 100, तो ये हो गया आपका R का वैल्यू कितना हो गया? 100 हो गया। फिर ये देखो कि आपको कंपनी रेटिंग में आपका करंट नीडेड कितना है, सॉरी, तो पावर इज इक्वल टू VI, तो I इज इक्वल टू P/V, तो हाउ मच दिस? P इज 100 हेयर एंड दिस इज द, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। आपको कितना 1 एम्पियर करंट नीडेड है अकॉर्डिंग टू कंपनी रेटिंग। अब इसमें तुम्हें सप्लाई कितना है तुम्हें? 200। तो देखो अब ये इसको इसका जो रेजिस्टेंस है मिल गया आपको, हाउ मच दिस? दिस इज द 100, राइट? तो मैं क्या बोलता हूँ कि अब ये जो हमें I चाहिए ना, I चाहिए 1 एम्पियर, तो I जो होगा, और ये सब हम लोग एसी सर्किट में अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग RMS वैल्यू, तो इसका मतलब हम लोग को IRMS 1 एम्पियर चाहिए। तो ये VRMS, V बाई क्या होगा आपका? Z होगा। तो I 1 हो गया और V हो गया 200, और इस केस में जो आप देखते हो ये जो R है, मतलब ये R हुआ और ये XL हुआ, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं ये फेज वाइज हम लोग इसको वोल्टेज का फेज देखते हैं हम लोग, तो वोल्टेज का फेज और करंट का फेज आर के लिए क्या होता है? सेम होता है। और ये अपना करंट का फेज लेते हैं इसको, और वहाँ से वोल्टेज का फेज क्या करता है? इंडक्टर में लीड करता है। तो ये कितना हो गया? √R² + XL², राइट? ये हो गया, तो आप लिख दोगे √R² + XL², ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, अपन एल चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा? ये आपको V इज इक्वल टू 200 R² + XL², तो इसका कर दो वैल्यू, पुट कर दो, R² + XL² इज इक्वल टू 200। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो R² + XL² इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 पर, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है कितना? R का जो वैल्यू है 100 है, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, 100 का स्क्वायर + XL², तो 4 पर, तो ये आपको हो गया +XL² इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो XL² इज इक्वल टू, राइट? तो आपका XL इज इक्वल टू कितना हो गया? इसमें कितना,
इसका थ्री और ये दो, ठीक है। एक्सेल इज इक्वल टू 300, तो एक्सेल इज इक्वल टू 300, तो एक्सेल को क्या लिख सकते हो, 2 पाई FL इज इक्वल टू 300, तो 2 × 50 हर्ट्ज सप्लाई है ना, तो 250 πL इज इक्वल टू 300, तो ये तो 100 हो गया, ठीक है। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 3 अपॉन πH, ठीक है, 3 अपॉन πH। तो ये समझ में आ गया बात आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका रिक्वायर्ड इंडक्टर हो गया, जो कि आपको बल्ब के साथ सीरीज में अटैच करोगे, ठीक है। तो ये एसी सर्किट में इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट हम लोग सिचुएशंस में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक और भी देख तो आप देखो आप लोग क्वेश्चन, जैसे ये आर दिया हुआ है और ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है सी, और इसका जो आर का वैल्यू दिया 100 ओम, एक्सएल का वैल्यू दिया है 200 ओम, और एक्सी दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है। और यहाँ पर ये है सोर्स, ठीक है ना, तो ये सोर्स जो दिया है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, वी नॉट साइन और ω t, ठीक है। अब ये सब देखो, इसमें आपको इसके इसके बीच का वोल्टेज है V1, ठीक है ना, ये है V1, इसमें ले लो तुम V2, ठीक है, इसमें ले लो तुम V3, और इसमें तुम ले लो ये दोनों का मिला करके L, ये और एल के बीच का, ये ले लो आप V4, ठीक है, यहाँ तक, और एल और सी में यहाँ से ले लो तुम V5। अब ये सब कैलकुलेट करो, ठीक है, ये सब V1 V2 V3, ठीक है, डिफरेंट तीन कंपोनेंट्स दिया हुआ है। तो इसमें देखो पहले तुम इसका क्या करो, I निकाल लो, ये I कितना होगा, तो I इज इक्वल टू V/Z, तो Z के लिए ये R हुआ और ये एक्सेल हुआ और ये क्या हुआ, एक्सी हुआ। एक्सेल कितना दिया है 200, राइट, और एक्सी कितना दिया है 100, तो ये तुम्हारा 200 एक्सेल माइनस एक्सी, और ये हुआ आर, तो आर का वैल्यू 100, और ये 200 − 100, तो ये भी कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा जेड, तो जेड इज इक्वल टू √100² + 100², ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू 100√2, ठीक है, जेड इज इक्वल टू 100√2, तो आई इज इक्वल टू 200/100√2, ठीक है, तो ये गया, तो आई इज इक्वल टू √2 एम्पियर, ठीक है, आई इज इक्वल टू √2 एम्पियर। तो चलो आई तो मिल गया ना, अब हम लोग को V1 V2 V3 निकालना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना अपना RMS करंट है, और जितना मैंने पूछा ये सब कैसे वोल्टेज है बताओ, RMS वोल्टेज, ठीक है। तो V1 क्या होगा, V1 होगा I × R होगा, तो 100√2 वोल्ट हो जाएगा। V2 क्या होगा आपका, 200 × √2 हो जाएगा, मतलब I × XL, I × XL, तो I हाउ मच है, √2 और × 200, तो 200√2 एम्पियर, ओके। एंड V3 इज इक्वल टू क्या होगा, I × XC हो जाएगा, ठीक है, तो आपका I कितना है √2, और ये आपका 100, तो बोलो कितना हो गया, 100√2 एम्पियर, ओके। अब क्या निकालना है तुम्हें, V4, तो V4 देखना, R और मतलब ये R और XL, तो R और XL, अब बताओ इसमें कैसे करोगे, पहले इसका नेट रिएक्टेंस निकाल लो, ये R है ये XL है, तो ये Z जो होगा √ क्या होगा, R² + XL² तो 100² + 200² ठीक है, तो ये तुम्हारा 100 तो बाहर हो जाएगा, 100² + 2² तो 100√5, ठीक है। चलो तो ये तुम्हारा मिल गया जेड, अब तुम्हें निकालना है V4, तो V4 क्या होगा, तो ये हो जाएगा I जेड, तो IZ है ना, तो I कितना है √2, ठीक है, × 100√5, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बोलो कितना, 100√10 वोल्ट, ओके। तो ये हो गया,
उसके बाद तुम्हें निकालना है वी फाइव। तो देख लो ये एल तुम्हारा ये कितना हुआ 200 एक्सएल, और एक्सी कितना हुआ 100। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। तो ये हो गया 200 माइनस 100, तो हाउ मच दिस, दिस इज द 100 राइट। तो ये भी ये तुम्हारा ये मतलब जेड हो गया, ठीक है ना। तो आई जेड, तो आई जेड, तो आई कितना है रूट टू, और ये जेड का वैल्यू ये रूट टू इंटू 100, तो दिस इज द 100 रूट टू, ठीक है। और ऐसा देखो तो ये ऑलरेडी एक तरह से क्या है एलसीआर सीरीज सर्किट है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में इसका डिस्कस किया था एलसीआर सीरीज सर्किट, और इसी में सब रेजोनेंट वगैरह आता है, उस पर जैसे ग्राफिकल भी एनालिसिस होता है। ऐसे तो मैंने डिस्कस किया था लेकिन मैं एक बार रिविजिट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें जैसे तुमको एलसीआर सीरीज सर्किट, तो उसमें ओमेगा के हिसाब से, क्योंकि जेड जो हो रहा है एलसीआर सीरीज या रिकॉल कर रहे हो ना आप लोग, तो जेड इजकल टू क्या हो रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल कितना ओमेगा एल, और एक्सी कितना 1/ωc। तो अगर इसमें देखो एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ले लो तुम ये ओमेगा, ठीक है। और इसमें ये मैं लेता हूँ ऐसा, और ये देखो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये और मान ले सप्लाई हमारा ये है तो भी है ना, मतलब ये AC है, तो Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें ये क्या बोलते हैं Vm/R, ठीक है। और ये मान लो ओमेगा 1 है, तो ये वाला हो जाएगा Vm/Z1 है ना। और ये तुम अगर मान लो ऐसा है, मैं ले लेता हूँ ये जेड है ना, तो जेड में इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये इस पर जाओगे जेड, तो ये तुम्हारा जेड मिनिमम है ना, जेड मिनिमम इजकल टू आर, ठीक है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, एफ इजकल टू 1/2π√LC। तो ये तो मैंने डिस्कशन किया था, मैंने बस एक बार रिकॉल करने के लिए, देखना ये ओमेगा पर आई का वैल्यू क्या हो रहा है मैक्सिमम Vm/R हो रहा है। यहाँ पर जब ओमेगा 1/√LC करेंगे तो हमारा जेड क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ओके थैंक यू।